में रियाजी मजमून की दूसरी इकाई रकबा यानी क्या। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम किसी भी शक्ल का रकबा किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों देखेंगे कि हमारे पास ये एक शक्ल है, कौन बताएंगे शक्ल कौन सी है भाई? शाबाश, ये मुरब्बा है। मुरब्बा यानी चार जिलों से बनी हुई वो शक्ल जिसके चारों जाविये कायमा होते हैं। प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे कि इस मुरब्बे का रकबा हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो हमें दी हुई शक्ल का रकबा मालूम करने के लिए एक समजिला लंबाई वाले मुरब्बे का इस्तेमाल करना होता है। तो प्यारे बच्चों ये जो मुरब्बा है हमारे पास, हम देखेंगे कि इसके अंदर ये एक सम लंबाई वाला जो मुरब्बा है, एक सम लंबाई वाला मुरब्बा, तो ये एक सम लंबाई वाले मुरब्बे कितने समाएंगे? अब गिनेंगे हम कि ये एक सम लंबाई वाले मुरब्बे कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह। तो बच्चों इससे हमें क्या मालूम हुआ कि ये सोलह मुरब्बे जो है एक सम लंबाई वाले, तो ये मुरब्बे का रकबा हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ मुरब्बे का रकबा बराबर सोलह मुरब्बा सम। देखिए बच्चों और सरपरस्त हजरात, हम इस रकबे की पहली मिसाल देख चुके हैं कि रकबा किस तरह मालूम करेंगे। तो हमने मुरब्बे का रकबा मालूम किया, अब हम इसके बाद दूसरी मिसाल देखेंगे कि हमें मुस्ततील का रकबा मालूम करना है। तो हमारे पास ये एक शक्ल है, कौन सी शक्ल है बच्चों? ये मुस्ततील। शाबाश, तो मुस्ततील यानी वो शक्ल जिसके आमने सामने के दोनों सिले बराबर होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम इस मुस्ततील का रकबा किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों हमें मालूम है कि किसी भी शक्ल का रकबा मालूम करने के लिए हम एक सम जिला लंबाई वाले मुरब्बे का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो मुस्ततील है हमारे पास, तो हम देखेंगे कि इस मुस्ततील के अंदर एक सम जिला लंबाई वाले कितने मुरब्बे समाएंगे। गिनो तो बच्चों कितने मुरब्बे समाए इसके अंदर? शाबाश, एक दो तीन चार पाँच, और ये पाँच दस। यानी इस मुस्ततील का रकबा जो है वो कितना हुआ? तो हम लिखेंगे यहाँ मुस्ततील का रकबा बराबर दस मुरब्बा सम।